क्या हाल है आप सभी का। स्वागत करते हैं आप सभी को एक नए वीडियो में। तो जैसा कि देख सकते हैं, अभी हम दिल्ली के एक सिग्नल पे खड़े हैं जहाँ पे काफ़ी जाम है। और आज हम जा रहे हैं दिल्ली का जो कि DLF विवेक मॉल है, जो कि काफ़ी बड़ा मॉल है, तो वहाँ पे जाते हैं। तो हम तो पहली बार जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इधर का जो बिल्डिंग सब है, काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है। ये जो है मॉल का है, मॉल के ही अंदर में ये सब आता है। तो चलते हैं मॉल में। तब तक के लिए जो भी हमारे चैनल पे नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक एंड कमेंट्स करके बताएं कि कैसा रहा वीडियो। और जो भी हमारे खास के बिहार से हैं वो ये ज़रूर बताएं कि हाँ, कि अगर बिहार में कहीं बढ़िया जगह घूमने का हो तो उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं कि आगे वहाँ पे शूट कर सकें। तो चलिए आगे दिखाते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मॉल में, मॉल के बाहर में आ चुके हैं हम लोग। तो मॉल के अंदर में चलते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आप सभी को। उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मॉल के बाहर में गाड़ियाँ बहुत सारी लगी हुई हैं। और दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े मॉल हैं तो वहाँ पे गाड़ियाँ भी बड़ी बड़ी ही होगी। तो हम लोग घूमते घूमते आ गए हैं और नेचर बजट बास्केट है वहाँ पे। और हम लोग साउथ गेट पे आए हैं मॉल के, जहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। तो हम लोग मॉल के अंदर में आ चुके हैं और चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसमें नायका से शुरुआत हुआ है। मॉल काफ़ी बड़ा है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने से। ये एक काफ़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे फोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी बढ़िया जगह है, इसके आगे भी है कोका है, ज्वेलरी है इधर। तो वैसे ही घूमिए और देखते हैं, आप सभी को दिखाते हैं। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहें, एंजॉय करें और लास्ट में ज़रूर बताएं कि हाँ कैसा रहा है। और जो भी और नया घूमने का जगह हो जहाँ पे विजिट करना, जहाँ पे विजिट करना आसान हो तो उसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि अगला शूट वहाँ पे कर सकें जाके। तो तब तक के लिए एंजॉय करें हमारे इस वीडियो में, ऐसे ही बने रहें लास्ट तक। तो मिलते हैं आगे। तो अब हम लोग घूमते घूमते आगे आ चुके हैं और यहाँ पे एक शो ऑफ जो होता है वो है, जहाँ पे सामने में देख सकते हैं ऑडी लगा हुआ है, ऑडी कार है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने से। तो देख सकते हैं कितना हेवी है, काफ़ी बढ़िया है जो ये आगे हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। इस जो मॉल है, ये मॉल जो है ये काफ़ी महंगा मॉल है, देखने से ही लग रहा है कि काफ़ी महंगा मॉल है। तो हम लोग अब सेकंड फ्लोर पे चलते हैं और यहाँ पे दो लोग पहले से हैं, जहाँ पे रुके हुए हैं वो लोग पहले से यहाँ पे हैं, जो जिनके पास हम लोग वो उन्हीं के पास आए हैं। तो काफ़ी देर से वो लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं हम लोग का। तो हम लोग आ चुके हैं, क्रोमा न्यू है, तो इधर में हॉल भी है, यहाँ पे थिएटर है, सिनेमा हॉल। और ऊपर से देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है नीचे का, जो कि कार है, ऑडी कार है, वो भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है ऊपर से देखने से। ऑडी A4 है मॉडल उसका।
आ चुके हैं और यही लोग हैं, एक फुआ हैं एक फूफा हैं, जिनके यहाँ पे हम लोग आए हैं। तो ऊपर से देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करें ऐसे ही हमारे वीडियो को। तो अब हम लोग इस मॉल से निकलते हैं और चलते हैं दूसरे मॉल में। ये देख सकते हैं द बिग चिल्ली, क्योंकि जैसे कि पहले ही बताए हैं ये काफ़ी बड़ा मॉल है। तो हम लोग पहला मॉल से निकल चुके हैं और चलते हैं बाहर की ओर। और इसे निकलते ही देख सकते हैं कितना बढ़िया है, यहाँ पे फाउंटेन लगा हुआ है। जो सामने में एक मॉल है रिटर्न गार्डन करके, और ये जो है DLF मॉल है, एवेन्यू DLF विवेक जिसको कहते हैं यहाँ के। तो हम लोग इस पे इसके बाहर का जो भी फाउंटेन है उसका दिखाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये देखने से। तो हम लोग और उसके पास में एक ये भी है, ये वाला फाउंटेन तो और भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो शूट कर रही है लड़कियां सब। पूरा नाम DLF एवेन्यू है, DLF एवेन्यू विवेक। काफ़ी खूबसूरत है, देख ही सकते हैं, मतलब काफ़ी बढ़िया लग रहा है मॉल से निकलने के बाद। जो कि एक होता है सुंदरता वो है यहाँ पे मर्सिडीज, मतलब कारें हैं काफ़ी सारे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग ये सामने वाला है शायद, उसमें चलेंगे जाएंगे। उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं गेम का काफ़ी बढ़िया है, खिलौनों का गेम जोन है बाहर में। यहाँ पे ट्रेन है, ट्रेन में बैठा के सबको घुमाया जा रहा है बच्चा लोग को। कारें हैं, कार पे यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंड बड़ा वाला है, ये सब भी है। काफ़ी बढ़िया है ये सब और काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में भी। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और दिखाते हैं आगे का। DLF एवेन्यू है यहाँ भी।
अब हम लोग दूसरे मॉल में आ रहे हैं ईस्ट गेट से होते हुए अब चलेंगे। इससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट स्क्वायर है बाहर में, मतलब छोटा सा एक स्टॉल करके बाजार भी लगा हुआ है बाहर में। और ये सब भी जो मॉल है अभी लगभग समय हो चुका है, रात का 10 बज चुके हैं। यहाँ पे जो है वो रात का ही मॉल है, रात में ही घूमने लायक है यहाँ पे सभी। तो हम लोग फिर से एंटर करते हैं हार्ली डेविडसन का, यहाँ पे एक लगा हुआ है बाइक जो कि काफ़ी बढ़िया है देखने में। हार्ली डेविडसन का वहाँ पे कपड़ा भी था। उसके आगे यहाँ पे जारा का कपड़ा का शोरूम है, जैसा कि जारा जो है जारा का सबसे महंगा ब्रांड भी है एक तरह से बोल सकते हैं उसको। अब हम लोग बाहर की ओर आए हैं और यहाँ पे कुछ है तो इधर का भी शूट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो हमारा तिरंगा है हमारे देश का, वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और ये भी फ़ोटो शूट का ही जगह है, यहाँ भी फ़ोटो शूट किया जा रहा है। उसके आगे हम लोग चलते हैं और दिखाते हैं, ये काफ़ी बढ़िया है यहाँ का बनाया हुआ गार्डन टाइप का, छोटा सा गार्डन टाइप का बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं। फूलों पे जो लाइटें हैं उसके कारण और भी ज़्यादा सुंदरता है सभी का। उसके आगे हम लोग चलते हैं और भी कुछ दिखाएंगे, यहाँ भी फाउंटेन है। सामने में 2023 का एक बनाया हुआ है आकार लाइटिंग से, जो कि यहाँ पे फोटोशूट हो रहा है यहाँ भी, और काफ़ी बेहतर है ये। काफ़ी बड़ा मॉल है यहाँ का जो कि अभी मेरा इसमें जो होता है ख़रीदने का वो तो अभी है नहीं, इसके लिए अभी समय है ताकि इसके अंदर का अंदर से कुछ ले सकें। काफ़ी महंगा है यहाँ का सामान जो है, एक छोटा सा टी शर्ट भी है तो 1500 से ऊपर का है, तो हम लोग नीचे में आए हैं यहाँ पे एक डिकैथलॉन का एक यहाँ पे शोरूम है जिसमें फिटनेस से जुड़ा हुआ सभी चीज़ यहाँ पे मिल रहा है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैट है जो कि बिछा के एक्सरसाइज ये सब किया जाता है, डंबल है, मतलब जिम का सभी सामान है। तो चलिए मॉल के अंदर में घुमाते हैं इसके अंदर में और दिखाते हैं आप सभी को। तो हम लोग सामान लेने के बाद कुछ सामान लिए हैं छोटा सा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बिलिंग जो है खुद से बिलिंग करना पड़ता है। तो बिलिंग कैसे हो रहा है जो यहाँ का है, जो इसमें आना जाना है जिसका, इसके लिए तो काफ़ी आसान है, पर जो नया व्यक्ति है इसके लिए काफ़ी दिक्कत है यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और कुछ खाते हुए हम लोग निकलेंगे बाहर और फिर वापस चलते हैं रूम पे। तो हम लोग सामान ले चुके हैं और अभी हम लोग तो नहीं, मैं जो हम खुद पहली बार KFC में बैठे हैं आज। अब हम लोग वापस चलते हैं।